हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेवन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जस्ट हर्ब्स की बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब, बॉडी स्क्रब। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छी सी इसकी फ्रेग्रेंस है एंड पूरी डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आप इसका डेमो भी देखेंगे कि कैसा ये वर्क करता है, क्यों आपको यूज़ करना चाहिए है बॉडी स्क्रब। डेफिनेटली जाड़े हों या गर्मियाँ हों, आपको अपनी बॉडी को स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। फेस का ध्यान रखते हैं ना हम, किस तरीके से हम फेशियल करते रहते हैं कुछ कुछ दिनों पर, जैसे कि हमारे फेस की जितनी भी डेड स्किन है वो हट जाए, हमारी जो स्किन है वो हेल्दी दिख सके, हम अच्छे दिख सकें, तो बॉडी का ध्यान क्यों नहीं रखना है। बॉडी स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है, बॉडी पॉलिशिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, तभी तो आप अच्छे दिख पाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ चेहरा चमका करके कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, और आपके बाकी सारे जो है बॉडी का कलर फेस के कलर से मैच ही ना हो, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगने वाला है। डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा आपको खुद को भी। कैसे ध्यान रखें अपनी बॉडी का, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में और इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स को जान लेते हैं। पास से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है जस्ट हर्ब्स की तरफ से रिसर्फेसिंग बॉडी पॉलिश स्क्रब, जो कि हर एक स्किन टाइप वालों के लिए बेहतरीन रहने वाली है। गर्मियों के दिन आ चुके हैं एंड यस, आपके लिए स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर सीज़न में ही स्क्रबिंग करनी चाहिए है, लेकिन गर्मियों के दिनों में खासतौर से स्क्रबिंग करना थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाता है और बिल्कुल से आपको ध्यान रखना भी चाहिए है। फेस के लिए तो सब कोई ध्यान रखता है, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ही कम लोग ध्यान रखते हैं। बिल्कुल से आपको ध्यान रखना चाहिए है और इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए हैं। इसके अंदर है वाइल्ड इंडियन रोज़, ओटमील एंड केन शुगर। 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी रिसीव हो जाती है एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगी इसकी बाकी डिटेल्स। यहाँ पर लिखी हुई है इसके की इंग्रेडिएंट लिस्ट, जिसको आप चाहें तो पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। थ्री इयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है, तो शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी शेल्फ लाइफ मिल रही है एंड अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी है इसकी 525 रुपीज़। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी पैकेजिंग में मिल जाती है, प्लास्टिक का कंटेनर है, गोल्डन कलर की इसकी कैपिंग मिल जाती है। मैंने इसे अमेजोन से परचेज़ किया है, ये फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। इस तरीके से कुछ स्क्रब दिखता है। बात करें अगर इसकी फ्रेग्रेंस की, फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करने वाली है। आपको इसे क्यों यूज़ करना चाहिए है, जिस तरीके से हम फेशियल करते हैं अपने फेस के इस डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, फेस पर एक ग्लो लाने के लिए, उसी तरीके से हमें बॉडी की डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए, उसको सॉफ्टन अप करने के लिए डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए है बॉडी स्क्रब को। इनग्रोन हेयर्स को प्रिवेंट करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर बॉडी स्क्रब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूदर फील होगा, बहुत ही अच्छे से पॉलिश रहेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जो स्पा वाली फीलिंग होती है, एक अच्छी सी फीलिंग जो आती है स्पा में जाकर के, वही वाली फीलिंग आप घर बैठे ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो तीन मेन इन्ग्रीडियंट हैं इसके वो हैं केन शुगर, ओटमील और वॉलनट शेल। वॉलनट शेल का काम होता है एक्सफोलिएशन का, जो स्क्रबिंग का काम करता है, डेफिनेटली वो आपकी स्किन से डेड स्किन सेल को हटाएगा। ओटमील का काम होता है जो आपकी स्किन के नेचुरल पीएच को रिस्टोर करके रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्किन हाइड्रेशन के लिए। केन शुगर का काम होता है कि वो आपके स्किन के जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है। कलर आपने देख लिया, बहुत ही प्यारा सा इसका पीची पिंक काइंड ऑफ कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, लाइट वेट इन टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा इसका फ्रेग्रेंस भी है, माइल्ड है, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करने वाली है कहीं से भी आपको, वो भी थोड़ी देर बाद फेड आउट हो जाती है, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। रही बात कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को वेट कर लेना है एंड इसके बाद में सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपको उसको हल्के हाथ से स्क्रबिंग करनी है एंड फिर वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। जब भी आप बॉडी स्क्रब करते हैं या फिर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद में अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर से यूज़ किया करिए या फिर बॉडी बटर को ज़रूर से यूज़ किया करिए, सो दैट आपकी जो स्किन है वो अच्छे से नरिश्ड बनी रहे। तो चलिए अब इसका डेमो भी दिखा देती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से इसकी ये आपको मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ हाथ पर दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हाथ को वेट कर लेते हैं। देखिए ये मैंने वेट कर लिया इसको एंड अब मैं
ये स्क्रब, दिस इज द स्क्रब। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये जेंटली एक्सफोलिएट कर देगा पूरा। ये देखिए माइल्ड फ्रेग्रेंसेस की फ्रेग्रेंस अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इसकी फ्रेग्रेंस। एंड आपको हल्के हाथों से बस सर्कुलर मोशन में उसको स्क्रबिंग करनी है, बिल्कुल भी हार्शली नहीं रगड़ना है कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए या रेड स्पॉट्स बन पड़ जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हल्के हाथों से माइन्यूटली इसको आपको स्क्रबिंग करनी है। एंड आप देखिए कितने माइन्यूट इसके ग्रैन्यूल्स हैं, कितने माइन्यूट इसके ग्रैन्यूल्स हैं कि कहीं से भी ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करने वाले हैं। अब आप उसको बस पकड़ के रगड़ मत दीजिए, जिससे कि क्योंकि कोई भी स्क्रब होगा तो ऑब्वियसली बात है अगर आप उसको रगड़ देंगे तो आपकी स्किन को वो डैमेज करेगा। इतने माइल्ड इसके माइन्यूट पार्टिकल्स हैं कि आप चाहें तो आप उसको फेस पर भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसमें हार्श पार्टिकल नहीं है। एंड आपको उसको स्क्रबिंग करनी है, एंड स्क्रबिंग करने के बाद में आपको सिर्फ अपने हैंड्स को, अपने बॉडी को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है। मैं इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। एंड ये देखिए मैंने हैंड्स को क्लीन कर लिया है, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, एंड आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने स्क्रबिंग की थी, यहाँ पर स्किन के टेक्स्चर में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, लग रहा है कि हाँ पॉलिश्ड है, कुछ लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया था, इस हाथ पे कुछ नहीं किया था। आप डिफरेंस देखिए, सामने डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, कितना अच्छा ये फील हो रहा है, स्किन कितनी अच्छी सी लग रही है। एंड जिस पे मैंने नहीं लगाया है वो स्किन कैसी ड्राई सी हो रही है, सूखी सूखी सी लग रही है, लेकिन ये कितनी बढ़िया सी स्किन लग रही है। डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल से ट्राई आउट करना चाहिए है, और इस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल से ट्राई आउट करने चाहिए हैं। गर्मियों के दिनों में स्पेशली ज़रूर से ट्राई आउट कर लीजिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम ऐसा टाइम होता है जब आप आराम से इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जाड़ों में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, माइट बी कि उनको डर रहता है सर्दी ना पकड़ ले, ठंड ना पकड़ ले, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये हर सीज़न में अप्लाई करने ही चाहिए हैं। बॉडी स्क्रब्स हैं, बॉडी पॉलिश हैं, डेफिनेटली आपको हर सीज़न में ज़रूर से ट्राई आउट करने चाहिए हैं। जब आप फेशियल हर सीज़न में कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको बॉडी का भी ध्यान हर सीज़न में रखना ही चाहिए है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यू, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। रिजल्ट आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसे दो बार ही यूज़ किया है, बट दो बार यूज़ करने में ही मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। दैट्स व्हाई मैं इतनी जल्दी रिव्यू लेकर के आ गई हूँ आपके साथ में, कि डेफिनेटली अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप भी इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। सो आपके सामने ही है ये डिफरेंस, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो ज़रा सा भी अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है, इसका रिव्यू अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है, आपको पसंद आया है, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।